पेरेंट्स ने ये सूचना बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को कोई भी ऐप रजिस्टर करने से पहले पेरेंट्स की परमिशन लेना चाहिए। बहुत सारे ऐप्स अभी इलीगल है जो अपने गवर्नमेंट ने बंद किया है, और बच्चे वही ऐप को चोरी से खरीदते हैं और खेलते हैं। ये ऐप्स में ऐसा होता है कि ये गेमिंग ऐप्स होते हैं। ये गेमिंग ऐप्स छोटे बच्चों को आकर्षित करते हैं, स्पेशली 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को। ये बच्चों को ज्यादा कुछ समझ नहीं रहती है। ये गेम्स में हम लोग उनको पहले बहुत सारे गेम जीतन देते, फिर कुछ कुछ दिनों के बाद जब वो एडिक्ट हो जाते हैं तो वो गेम्स हारना शुरू करते हैं। फिर जब वो हारना शुरू करते हैं तो उनकी मन की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती जाती है, और जैसे बिगड़ती जाती है फिर ये अगर वो गेम छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो ये जो गेम ओनर्स है, ये गेमर्स जो रहते हैं, ये बच्चों को अपने ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल करने के बाद में ये अपने बच्चे के फेसेस और ऐसी पॉर्न या कुछ भी गंदे फिल्म्स के साथ में जोड़ देते हैं, और फिर ये बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। और वो इतने डर जाते हैं कि वो ना स्कूल आना चाहते हैं, ना पेरेंट्स को बताना चाहते, क्योंकि ये उम्र में जो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो ये अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते कि इन्होंने एक्चुअली गलती क्या की है। तो इसके लिए ये काइंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे यूट्यूब जो भी सर्च करते हैं या कोई भी गेमिंग एप्स को डाउनलोड करते हैं, तो प्लीज उनका मोबाइल चेक करिए और उनको ये चीजों से स्टॉप करिए, क्योंकि उनकी माइंड बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है।